जैन दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। वैसे दोस्त, आपको याद होगा मैंने पिछला वीडियो क्रिएट किया था मोटो G85 और मोटो H50 फ्यूजन के कैमरे को लेकर, कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपको कैमरे के लिए बाय करना चाहिए। वही सेम सिचुएशन आज भी है। आज भी हमारे पास दो स्मार्टफोन है, ये है मोटो G85 5G और ये है मोटो G64 5G। जो G64 5G है ना, ये अराउंड आज से 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तब से इस फ़ोन को मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। एंड दोस्त, इन दोनों फ़ोन के बीच में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कैमरे को लेकर, कि दोनों फ़ोन में से कैमरा क्वालिटी किस फ़ोन का बेटर है, कौन सा फ़ोन कैमरे के लिए बाय करना चाहिए। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट होने का रीज़न ये है कि दोनों फ़ोन के बीच में ना केवल 3,000 रुपये का फ़र्क है। जैसे G85 को बाय करते हो, इसका प्राइस है 18,000 रुपये, एंड यही पर G64 को बाय करते हो तो इसका प्राइस है 15,000 रुपये। तो 3,000 रुपये की फ़र्क होने की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि कैमरा क्वालिटी किस फ़ोन का बेटर है, कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। चलिए मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को पूरा दूर कर देता हूँ, इन दोनों फ़ोन का पूरा कैमरा टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कौन सा फ़ोन आपको कैमरे के लिए लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैक कैमरे के बारे में। तो दोनों फ़ोन के बैक साइड में ना डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है। दोनों फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और जो सेकेंडरी कैमरा है दोनों फ़ोन में, वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। अभी फ़िलहाल तो छत पे आ गए हैं, बाहर कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। वैसे दोस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरे फेस के ऊपर देखोगे पूरा पसीना पसीना आपको दिखाई देगा। धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है तो गर्मी लग रहा है, प्लीज़ पसीने को इग्नोर करना। तो यहाँ पर ना कुछ बैक कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं। एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके। एंड मेरे पीछे साइड काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, एक फ़ोटो यहाँ पर, ओके। दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरे से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ोटो आ रहे हैं। दोनों ही फ़ोन लाइटिंग और HDR को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। बट दोस्त, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ ना, दोनों स्मार्टफोन थोड़ा सा कलर को इन्हेंस कर रहे हैं, कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नोटिस करोगे दोनों फ़ोटो के अंदर, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में पेड़ पौधे हैं या फ्रंट में जो पेड़ पौधे हैं, उनके कलर थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रीन हो जा रहे हैं। जो शर्ट पहना है, जो टी शर्ट पहना है, उसका भी कलर थोड़ा सा बूस्ट हो जा रहा है। और यहीं पर साथ में स्किन टोन नोटिस करें तो यहाँ पर फोटो क्लिक करने के बाद G64 के अंदर जो स्किन टोन है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा वाइट हो जा रहा है। एंड यहीं पर G85 के अंदर स्किन टोन ओरिजिनल है, बट स्किन के ऊपर हल्का हल्का ब्यूटी अप्लाई हो जा रहा है G85 के अंदर। और यहीं पर साथ में क्वालिटी जज किया जाए तो दोनों फ़ोन में ना यहाँ पर सेम सा क्वालिटी है, ज़्यादा फर्क नहीं है क्वालिटी के अंदर। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे फोटो को हल्का सा जूम करके ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पर आप भी नोटिस कर पाओगे कि G85 के अंदर हल्का सा बेटर डिटेल है, बहुत हल्का सा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, और अगर वैसे ही आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन में काफ़ी सेम सा क्वालिटी लगेगा। और यहीं पर दोनों फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट है। कुछ फ़ोटो हमने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पर क्लिक किए, यहाँ पर भी लाइटिंग HDR काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे जो भी फोटो क्लिक किया है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे सेम सा क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि दोनों फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, इसी वजह से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे ना क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड यहीं पर साइड में 2x डिजिटल जूम का सपोर्ट दोनों फ़ोन में दिया गया है। कुछ फोटो हमने डिजिटल जूम पर भी क्लिक किए, यहाँ पर आप नोटिस करोगे G85 के अंदर 2x पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा बेटर डिटेल शो हो रहा है। एंड यहीं पर G64 के अंदर हल्का सा कम क्वालिटी है कम्पेयर टू G85। और लास्ट यहाँ पर G64 के अंदर 8x और यहाँ पर G85 के अंदर 10x जूम तक का सपोर्ट दिया गया है। कुछ फोटो हमने जूम करके भी क्लिक किए, यहाँ पर नोटिस करोगे जो भी फोटो हमने दोनों फ़ोन से जूम करके क्लिक किए ना, बहुत एवरेज डिटेल मिल रहा है, ना ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज़्यादा ख़राब, एक एवरेज क्वालिटी का फोटो कह सकते हैं जो भी फोटो हमने जूम करके क्लिक किया है। और इसी के साथ अब बात करें दोनों फ़ोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर G64 के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और G85 के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कुछ हमने यहाँ पर सेल्फी भी क्लिक किया, आप नोटिस करोगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सेल्फी दोनों ही फ़ोन से आ रहे हैं। दोनों फ़ोन लाइटिंग और HDR को सेल्फी के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। एक चीज़ नोटिस करोगे ना, सेल्फी के अंदर ज़्यादा स्किन टोन चेंज नहीं हो रहा है, स्किन टोन दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल है। बट G85 के अंदर ना सेल्फी क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ब्यूटी अप्लाई हो जा रहा है। और यहीं पर क्वालिटी नोटिस किया जाए सेल्फी के अंदर, तो यहाँ पर ना G85 के अंदर थोड़ा बेटर क्वालिटी है, बेटर डिटेल शो हो रहा है। एंड यहीं पर G64 के अंदर हल्का सा कम क्वालिटी है। अब रीज़न ये है कि G64 के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और वहीं पर G85 के अंदर 32 मेगापिक्सल यानी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो इसी वजह से सेल्फी के अंदर यहाँ पर क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है। एंड दोस्त, इसी के साथ दोनों फ़ोन से हमने कुछ फ़ोटो नाइट में भी क्लिक किए। सबसे पहले यहाँ पर आप बैक कैमरे का फ़ोटो सैंपल देखिए, बैक कैमरे से नाइट के अंदर दोनों फ़ोन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ोटो आ रहे हैं। इवन दोनों ही स्मार्टफोन नाइट में काफ़ी अच्छी तरीके से लाइटिंग को बैलेंस कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर भी आप क्वालिटी के अंदर नोटिस करोगे तो G85 के अंदर थोड़ा सा हल्का सा बेटर क्वालिटी है कंपेयर टू G64। और यहीं पर हमने कुछ सेल्फी भी क्लिक किया नाइट के अंदर, यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे ना दोनों फोन लाइटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से सेल्फी के अंदर भी बैलेंस कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी क्वालिटी देखोगे ना तो यहाँ पर आप नोटिस खुद कर पाओगे कि G85 के सेल्फी में थोड़ा बेटर क्वालिटी है कंपेयर टू G64। और यहीं पर फोन से अगर यहाँ पर नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो चाहे बैक कैमरे से करें या फ्रंट कैमरे से, दोनों ही फोन में दोनों ही साइड 1080p 30fps का सपोर्ट है। एक अच्छी बात यह है दोस्त कि दोनों फोन के बैक कैमरे में OIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है। ये रहा दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरे का वीडियो सैंपल, दोनों फोन में 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ ना दोनों स्मार्टफोन एक्सपोजर को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं वीडियो के अंदर, एंड क्वालिटी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसी वजह से दोनों स्मार्टफोन के वीडियो में ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, एक सेम सा क्वालिटी है। और जैसा कि दोनों फोन के बैक कैमरे में OIS का सपोर्ट है तो यहाँ पर मैं काफ़ी फास्ट चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप नोटिस करोगे ना G64 का जो वीडियो है हल्का सा शेक कर रहा है, हल्का सा जीटर कर रहा है, बट G85 काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को स्टेबलाइज कर रहा है। और ये रहा दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे का वीडियो सैंपल, यहाँ पर भी 1080p पे ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों फोन से। आप नोटिस करोगे ना क्वालिटी के मामले में थोड़ा G85 बेटर है, G85 थोड़ा बेटर डिटेल शो कर रहा है। यहीं पर G64 के अंदर हल्का सा कम क्वालिटी है कंपेयर टू G85। अब रीज़न ये है दोस्त कि G64 के अंदर ना 16MP यानी 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, यहीं पर G85 के अंदर 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस वजह से क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी यहाँ फ्रंट कैमरे में EIS का सपोर्ट है तो यहाँ पर चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप नोटिस करोगे ना दोनों फोन काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो फाइनली दोस्त यही थी एक छोटी सी वीडियो इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन के ऊपर। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपका कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन माइंड में बचा हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो दोनों फोन अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप G64 को बाय करोगे इसके पीछे आपको 3000 रुपये कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये 15000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन ना इसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी कम है कंपेयर टू G85। लेकिन यहीं पर आप G85 को बाय करते हो इसके पीछे आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये 18000 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ इसके अंदर बेटर क्वालिटी है, बेटर डिटेल है कंपेयर टू G64 के मुकाबले G85 बेटर है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप G85 को बाय कर सकते हो, 18000 रुपये लगेंगे लेकिन काफ़ी बेटर क्वालिटी आपको मिलेगा। बाकी मुझे जैसा लगा मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ मुझे पता है कि वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना दिखा होगा मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है दोस्त, एंड फैन भी ऑन नहीं कर सकते, तो प्लीज़ दोस्त थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को समझो, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।